पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के एसएसपी ऑफिस पर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस और लोगों के बीच जमकर खींचातानी होती रही। पुलिस और महिलाओं के बीच होती खींचतान को देखकर कोई कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। देखते ही देखते एसएसपी ऑफिस पर भीड़ इकट्ठा होती चली गई। इस दौरान महिलाएं हंगामा काटती रहीं और पुलिस दो लड़कों को उठाकर जबरदस्ती कप्तान के ऑफिस में ले गई, जिसके बाद महिलाएं काफी देर तक हंगामा करती रहीं। इस दौरान महिलाओं ने क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज पर भी रिश्वत जैसे आरोप लगाए। कप्तान के दफ्तर पर हंगामा होने की सूचना जैसे ही क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष को मिली तो पूरी पुलिस फोर्स के साथ वो मौके पर पहुंच गए और मामले को शांत कराते हुए भीड़ को काबू किया। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम है नसरुद्दीन। अच्छा बताइए, यहाँ पर अभी क्या जद्दोजहद चल रही थी, क्या था ये मामला बताइए। मेरा नाम है नसरुद्दीन, मकबरा फाटक की रहने वाली हूँ। ठीक है। मेरी बहन का नाम है सुरैया, जिसकी लड़की है मेरे लड़के के घर में। एक महीने से वो विदा कर चुके हैं। 20 साल की लड़की है वो। ये इन्होंने यह जी वो कहती है कि नाबालिग है, 20 साल की लड़की नाबालिग हो सकती है, ये बताइए। अभी मर्जी की मालिक रिश्ता लगा हुआ था उनका जी, 3-4 साल होगा उसके रिश्ते को लगे हुए। रिश्ते की आय में ये मेरे लड़के को सारा इतना कारोबार पट कर दिया, सारा पैसा घूसती रही उससे। अभी मैं बोली कि मैं रिश्ता नहीं करूंगी, लड़की की मर्जी से, लड़की अपनी मर्जी से जी, लड़की अपनी मर्जी से आ गई तो यूँ कहती है कि नाबालिग है। उसके बयान हाई कोर्ट में हो गए, हाई कोर्ट का आदेश मिल गया तो इनने इसकी ये जो है दरोगा गौरव दीक्षित ये रात बदतमीजी की करके आए, लेडी चूपे मारा बदतमीजी करी, शराब पी के बिना वर्दी के गया था। बोला 50,000 रुपये दो तो तुम्हें सबको बचा दूंगा, नहीं तो तुम्हें सबको जेल भेज दूंगा। अभी यहाँ से पुलिस ने दो लोगों को बच्चे हैं, असलम से मिल गया उसका पैसा के बयान करवाऊंगा, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए, हाईकोर्ट ऐसी उनका रिमांड नहीं है। पहले पहुंच चुके हैं इनके पास और हमने खुद दिए हैं इनको अपने हाथों से दिए जी। आज की बात ये हुई है, बात ही लोग मानने के लिए घुसे घर में, कोई नहीं था, सिर्फ लेडीज घर के अंदर थी। तो हमारी मम्मी बोली कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, कोई घर में नहीं है। जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने खूब जोर जोर से उन्होंने दरवाजा मतलब पीटा, उन्होंने डर के मारे दरवाजा खोला। जब खोला तो उनके ऊपर को आके उन्होंने गाली गुस्ताली करी पूरे घर में। बोले ये मतलब वो कहा है सब लेडीज घर में थी, मतलब कोई जगह था, बोले मैं ना मानू हमें कुछ नहीं मारू किसी बात का भी। तो मेरी मम्मी को उन्होंने थप्पड़ मारा, तमाम यहाँ पे इन सबको मालूम थी इस रिश्ते के बारे में, सबको मालूम थी। और माँ ने भी काफी पैसा खाया, अब बताओ अगर नाबालिग होती रिश्ता क्यों लगाती माँ? 4 साल से रिश्ता लगा हुआ था, आप ये बताइए रिश्ता क्यों लगाती अगर नाबालिग लड़की थी तो? और उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकलवाइए, यहाँ की पैदाइश कलकत्ते की पैदाइश नहीं है उसकी, आप तो ओरिजिनल उसके सर्टिफिकेट निकलवाइए। इन्होंने जुड़वा बच्चों की बनवाई और जुड़वा बच्चे इनके हुए ही नहीं आज तक। लड़की क्या कह रही है? लड़की कह रही है मैं 20 साल की हूँ। वो किसके साथ जाने को तैयार है? वो अपने हस्बैंड के साथ जाना चाह रही है, अपने शोहर के साथ जिससे उन्होंने शादी करी है। तो आज किसने रोका, क्या खाने के बाद 35,000 रुपये खाने के बाद 50,000 रुपये और तो जब तुम्हारा कैसे होगा मैं करवाऊंगा खुद ही में ये बात करिए।